यू व्हाट्सअप, वेलकम बैक महेंद्र सिंह चौहान के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी बेमिसाल तोप के बारे में। जी हाँ, ऐसी तोप जो कि दीपावली पर फटाके फोड़ने में भी यूज आएगी, प्लस वो आपके खेतों में जानवर भगाने में भी यूज में आएगी। जी हाँ, और उस तोप को कैसे चलाया जाता है, प्लस उसे कैसे लोड किया जाता है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। किस तरह से उसे लोड किया जाता है, किस तरह से उसे फायर किया जाता है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बड़ी धासु है। तो चलिए, उस तोप का जो नाम है वो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उससे का नाम जो है हर जगह तरफ छाया हुआ है, आपकी अपनी खानदानी तोप। तो चलिए देखते हैं। सो भाई चलो, उठो, बहुत भारी है, दिखा दे कोई जलवा। सो भाई लोग, अब हमारा छोटे वाले भाई आप लोगों के सामने लाइव इस तोप को चलाएगा। देखना यह है कि ये तोप कितना पावर है। तो चलिए, अरे नहीं नहीं, ककड़ी को नहीं पड़ना है। चलिए सबसे पहले इसमें आप क्या डालेंगे? इसके अंदर हम डालेंगे कार्बेटर, जो मिलेगा आपको 200 रुपये किलो। अच्छा, तो आप छोटे छोटे अंटी जैसे पीस बना सकते हो। अच्छा। और उसके अंदर पानी डाल के, उसके ऊपर अंदर डाल के पानी डाल के हिला के और नीचे करके ठोक दो। अच्छा, कार्बेटर को वापस नीचे रखना है, मतलब निकालना है। हाँ, मैं आपको एक बार ट्राई, डेमो हमको डेमो बताइए, डेमो बताते हैं हम। चलिए भाई लोग, तो डेमो देखते हैं, क्योंकि मजा जो है वो डेमो देखने में है। ओए बाबू मुशा, ये देखिए इन्होंने कार्बेटर अंदर डाला, ऊपर से ये देखिए इन्होंने डाला हल्का सा पानी। अब उसके बाद अब ये क्या करते हैं भाई, हम वीडियो बना रहा है, हमको मत उड़ा देने का, वरना वीडियो वायरल हो जाएगी। पर वीडियो वायरल होगी कैसा बाबू मुशा भाइयो, साउंड तो बड़ा जबरदस्त था। एक बार और कैसे आपने किया? रुकिए 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 रुकिए, पहले सबसे पहले हमको कार्बेटर बताइए। हमारे भाई लोग जो देख रहे हैं सभी, उनको कार्बेटर बताना है मेरे को। सो भाई लोग, ये कार्बेटर बापू मुशा है, बहुत गर्म है कार्बेटर। ये कार्बेटर शायद वही है जिससे केले वेले पकते हैं, ठीक है? ये वही कार्बेटर जिससे केले पकाते हैं ना, कच्चे केले के अंदर रख देते हैं, केरी के अंदर रख देते हैं, तो केरिया पक जाती है कुछ समय बाद। सो ये पत्थर के जैसा है कार्बेटर है, ठीक है? अब इस कैसे डालेंगे इसको, कायम किधर डाल रहे हो आप? ये छेद है, पर ये कार्बेटर बड़ा है थोड़ा सा। हाँ। इसलिए अपन आगे मुंह से भी डाल सकते हैं इसको। अच्छा, ऐसा क्या? तो मैंने डाल दिया। उसके बाद अपन थोड़ा सा हल्का सा बूंद जैसा पानी डाल दो। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, डालिए। हाँ, आप डालिए, ठीक है। आवाज आने लग जाएगी, गैस बनेगी, तो धुआं भी निकलता है इसमें से। अब मैं हिलाने, सो आप लोग आवाज सुन सकते हैं, ठीक है? अब इसको हिलाया जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, फोड़ना मत अभी। हाँ बस, अब फोड़िए, ये निकाल दिया। हाँ बाबू मुशाए, मजे आ गए ना रे। इस दीपावली पैसे खर्च करने के बजाय इस तरह का तोप लाके खेतों में भी फोड़ सकता है और घर पे फटाफके के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। ये एंजॉयमेंट, जय जय श्री राम। चलो ये कार्बेटर खत्म हो सकता है। अच्छा, एक कार्बेटर को अपन कितनी बार यूज कर सकते हैं? तीन से चार बार भाई लोग हम एक कार्बेटर को यूज कर सकते हैं, और डबल भी कर सकते हैं। इसको रख लो पन्नी में डाल के
और सूख जाए फिर उसे वापस दूसरे दिन भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा क्या? हमारे भाई ने बहुत गजब की बात बोली है। सो ये बात के लिए कमेंट तो बनता है। और ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे छोटे भाई ने उन्होंने अपने हाथों से बनाई। हाँ, इस मशीन को देखिए, ये मशीन जो है वो पूरी एक पाइप के पाइप से बनी हुई है। ठीक है, ये पाइप देख सकते हैं, बिल्कुल पाइप। और इसके जस्ट पीछे लगाया गया है आप चूल्हे में जो हम क्या बोलते हैं उसको, पामूशा है। क्या तगड़ा साउंड है यार, मज़ा ला देता है। देखिए ये आप लोग चूल्हे में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, लाइटर। हाँ लाइटर, मैं भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को। तो ये लाइटर इन्होंने पीछे लगा दिया उसके, और आगे पूरा पाइप्स का सिस्टम कर दिया है। और ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कार्बेटर डालना है, हल्का सा पानी डालना है, और थोड़ा सा इसको फ्राई करना है सब्जी के माफिक फ्राई करके, और कार्बेटर को हल्का सा गीला करके, और जैसे उसके अंदर गैस बने, गैस बना हल्का सा उसको प्रेस करके, ये गैस बना के और दो छोड़ के, क्या साउंड आएगा। ये फुस्से निकल गया बे दादा, ये तो फुस्से निकल गया, क्या बात है। सो भाई लोग, कार्बेट डालने के बाद उसमें इस तरह से धुआं निकलता है, उसके बाद उसे पैक कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करके, मैं तो चक्कर आके गिर गया ना रे बाबा ना, ये कार्बेट निकाला, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए आप सुतली बम जो आता है उसके माफिक साउंड करता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब मैं पूरे खेत में, मतलब बाहर ओपन में, मैं खेत में ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना साउंड क्रिएट कर रहा है, अगर ये आपने घर के अंदर फोड़ा, सच कह रहा हूँ भाई लोग, घर के अंदर मत फोड़ियो, किसी के कान फुट जाएंगे, कान के पर्दे ज़रूर हिल जाएंगे। चलो चलिए, कार्बेटर ख़त्म। एंड एक महत्वपूर्ण सूचना समस्त भाई लोगों को, जाते जाते महत्वपूर्ण सूचना जो है वो सुनते जाइए, सुनाइए। जो कार्बेटर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो आपकी ये चेहरा दिख रहा है ना, ये कल्लू डॉन बन जाएगा। अच्छा ऐसा क्या मतलब, अगर ये शांतिपूर्वक और अपने बड़े भाइयों के साथ ही फोड़ना चाहिए। अच्छा ऐसा, छोटे बच्चे को बोलने जा रहा हूँ, मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए आप अपने पापा और कोई भैया उनके साथ ही फोड़े, नहीं तो आपका चेहरा घर पे ही लाल होता है, नहीं तो कल्लू डॉन हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या, ज्यादा सटाजन ना डालें, मतलब भाई लोग इसमें यही है कि इसमें ज्यादा कार्बेटर ना डालें, क्योंकि हो सकता है जितना ज्यादा कार्बेटर डाल दिया अगर आपने, तो ये पाइप को फोड़ कर आपको ये नुकसान भी कर सकता है। इसका एक ये नुकसान, मतलब ये एक गंभीर बात भी है, सोचने वाली बात भी है, और ध्यान रखने वाली बात भी है बच्चों के लिए, कि इसमें ज़्यादा कार्बेटर ना डालें और फोड़ने की कोशिश ना करें। इसमें बिल्कुल छोटा सा, छोटा जितना छोटे हो सकते हैं, ये साइज़ जो है बिल्कुल साइज़ छोटी, जैसे आपको हमने अभी शुरुआत में वीडियो में बताई थी, उसी तरह की आप अंठी के साइज़ का ही कार्बेटर लें, उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ ना लें, वरना अन्यथा आप ज़्यादा साउंड के चक्कर में कहीं अपने कानों का साउंड ना खो बैठें। सो भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।